नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शीर्ष धर्माचार्य ने कुंभ मेले को खत्म करने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, शीर्ष धर्माचार्य ने कुंभ मेले के आयोजन को खत्म करने का ऐलान किया है। इस धार्मिक आयोजन को सांकेतिक रखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुरोध स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया गया। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत की जनता और उनकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े की ओर से ये कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। श्री पंच दशानंद जूना अखाड़े की ओर से ट्वीट पर जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अखाड़े की दोपहर 3 बजे एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और साधुओं ने गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जनहित का ध्यान में रखना जरूरी है। जिन देवताओं का आह्वान किया गया है उन सभी को विसर्जित करते हुए सभी उत्तराखंड के तीर्थों और सिद्ध पीठों से प्रार्थना की जाती है और कुंभ मेले हरिद्वार 2021 का विसर्जन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी का बड़ा आरोप, कहा गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण देश की बिगड़ती स्थितियों का जायजा लेने के लिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। सीवीसी की बैठक के दौरान अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाकर कहा कि वो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और गैर कांग्रेसी राज्यों को प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस कमेटी ने यह भी मांग की है कि कोविड संबंधित आवश्यक वस्तुओं को GST मुक्त रखा जाए। कांग्रेस ने यह भी मांग रखी है कि कोरोना से हाल में प्रभावित हुए गरीब नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि 25 से कम उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाए और हर उम्र के उन नागरिकों को वैक्सीन दी जाए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने कोरोना लॉकडाउन और आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले सभी नागरिकों के लिए 6,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और पुनर्वास की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी बंगाल में वेस्ट केती के हमले पर मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी बंगाल में व्यस्त होने के तंज पर केंद्रीय मंत्रियों ने जवाबी हमला बोला है। ठाकरे का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब 2 दिन पहले उन्होंने देश के दूसरे हिस्से से मेडिकल ऑक्सीजन हवाई मार्ग से मांगने की अनुमति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। ठाकरे ने समाज के गरीब वर्ग के लिए वित्तीय सहायता देने की भी बात कही थी। हालांकि महाराष्ट्र के CM और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच शनिवार को बातचीत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन खबरों पर जवाब दिया जिनमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन यह अनुरोध ठुकरा दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा और कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पर्याप्त और निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति का भरोसा दिलाया था। इसी के तहत केंद्र 1121 वेंटिलेटर भी भेज रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टूट गए कोविड के अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 2.34 लाख से ज्यादा नए केस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान देश में 1,23,334 लोग संक्रमण को मात देकर ठीक हुए हैं। इसी अंतराल में देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 1,341 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े पुष्टि करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है।
लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज केस आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 1341 बताया गया है। आपको बताते चले कि दोस्तों, इससे पहले 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1290 मौतें हुई थी। देश में अब तक 1,45,26,609 कोरोना के केस मिल चुके हैं, जिनमें से 1,26,71,220 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। देश में इस वक्त कोरोना के 16,79,740 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,75,649 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार के अहंकार के चलते जा रही है लाखों लोगों की जान कोरोना संकट पर, बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की भी कमी होने लगी है। कई राज्यों ने तो वैक्सीन की कमी का भी दावा किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हमें विनम्र होने की जरूरत है। इस वायरस से हो रही क्षति के लिए एक स्पष्ट वैक्सीनेशन रणनीति और इनकम के स्रोत की आवश्यकता है। सरकार का अहंकार और सत्य के खिलाफ उनकी दमनकारी नीति के चलते लाखों लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी कदम उठाने के बाद उसे अहंकार की तरह लेती है कि हमें जो करना था कर दिया। इसी के चलते अब वो कंफ्यूज है कि आगे क्या करें। सरकार की नीतियों के चलते लोग जान गंवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में अस्पतालों में वीआईपी कल्चर से परेशान हुए डॉक्टर्स, चिट्ठी लिख हेल्थ मिनिस्टर से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, अस्पतालों में जारी वीआईपी कल्चर से डॉक्टर परेशान हो गए हैं। यही कारण है कि दिल्ली के रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सरकारी अधिकारी की हरकत के बारे में अवगत कराया है। चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी खत्म होने के बाद भी मरीजों की देखरेख में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी वीआईपी कल्चर का फायदा उठाकर डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी सरकारी अधिकारियों को वीआईपी कल्चर के नाम पर परेशान न करने का ऑर्डर जारी करें। साथ ही अस्पताल में बढ़ते बोझ को देखते हुए स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। दुमका कोषागार केस में जमानत जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वह फिलहाल चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले से जमानत मिली हुई है। चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को पहले से ही जमानत मिली हुई है। दोरांडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है। अब लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लालू प्रसाद यादव को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट चुके हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टेशन या ट्रेन में बिना मास्क मिले तो लगेगा जुर्माना, रेलवे ने जारी किए निर्देश। जी हां दोस्तों, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं पहना तो कार्यवाही तय है। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे ने निर्देश जारी किया है कि रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत क्राइम के तौर पर शामिल किया है। रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है। रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई 2020 को जारी एसओपी में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें एंट्री और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए।
एसओपी में यह भी कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के मद्देनजर किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और थूकने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। मास्क नहीं पहनने वाले या थूकने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश और गुजरात में कुंभ से लौटने वालों को किया जाएगा क्वारंटाइन, राज्य सरकारों ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना की बढ़ रही रफ्तार से हर कोई चिंतित है। वहीं इसी के मद्देनजर कहीं भी ज्यादा भीड़ न जुटा पाए इसको लेकर प्रशासन सख्त है। हालांकि उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले की तस्वीरों से सभी चिंता में हैं, जहां हजारों लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। इससे संक्रमण बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए गुजरात व मध्य प्रदेश की सरकारों ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुजरात की बात करें तो कुंभ स्नान कर गुजरात लौटने वालों को बिना RT-PCR टेस्ट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा, साथ ही 14 दिन आइसोलेट भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि कुंभ में जाने वाले लोगों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने की खबरों के बीच गुजरात सरकार ने यह फैसला खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में शनिवार को हुई बैठक में लिया है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी जिला कलेक्टर्स को कुंभ मेले से लौटने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रशिया ने यूक्रेन के राजनयिक को लिया हिरासत में, दोनों देशों में बड़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन सीमा की ओर 40,000 सैनिक और भारी हथियारों को रवाना करने के बाद रूस ने अब यूक्रेन के एक राजनयिक को हिरासत में ले लिया है। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने बताया है कि शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के महावाणिज्य दूत को एक रूसी नागरिक के साथ मुलाकात के दौरान गिरफ्तार किया गया। FSB का आरोप है कि मुलाकात के दौरान उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों और FSB के डाटाबेस से गोपनीय प्रकृति की सूचनाएं हासिल की है। रूस की संवाददाता समितियों ने FSB के बयान जारी किए, हालांकि इसमें और ब्योरा नहीं दिया गया है। आपको बताते चलें कि रूस इन दोनों यूक्रेन सीमा के पास अपनी सैनिक मौजूदगी मजबूत कर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन के साथ उसका गंभीर सैन्य तनाव बना हुआ है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस से तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीनी आक्रामकता के खिलाफ हाथ मिलाएंगे अमेरिका और जापान, बाइडेन और सुगा ने लिया संयुक्त रणनीति अपनाने का फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त रणनीति अपनाने का फैसला किया है। अमेरिका की यात्रा पर वाशिंगटन आए प्रधानमंत्री सुगा ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद बाइडेन की किसी विदेश शासनाध्यक्ष के साथ पहली भेंट है। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान चीन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बाइडेन अपने पूर्ववर्ती रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका के सैन्य देशों के साथ कमजोर पड़ गए गठबंधन को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान में कई अहम भू राजनैतिक मुद्दों का जिक्र किया गया, जिसमें ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता पर भी बल दिया गया है। इस बयान को चीन के लिए झटका माना जा रहा है। बैठक के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री सुगा और मैंने अमेरिका जापान गठबंधन और अपनी साझी सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और उत्तर कोरिया समेत चीन की चुनौतियों का मिलकर सामना करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज और भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हल्का हिमपात भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर बारिश की गतिविधियों में और वृद्धि होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल और तमिलनाडु के केरल से सटे हुए जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर
भारी बारिश की भी संभावना है। कर्नाटक के दक्षिणी तट से तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बाकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 15 दिनों में 6% बढ़े सोने के दाम, फिर हो जाएगा 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में इस समय उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी भी महंगी हो गई है। पिछले 15 दिनों में सोने के दामों में 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से सोने के दाम पिछले साल अगस्त के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, अगस्त 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे। पिछले 15 दिनों में एमसीएक्स में सोने की कीमत 6% बढ़कर 46,000 से 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड के रेट 4% बढ़कर $1,781 प्रति औंस पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने घटाए रेमडेसिविर के दाम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी बड़ी लहर के बीच कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 के लाखों मरीजों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% तक की कटौती की है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में रेमडेसिविर के साथ मैन्युफैक्चरिंग है और उनकी क्षमता करीब 38.80 लाख यूनिट प्रति महीना है। मंत्रालय के अनुसार औषधि विभाग दवा का उत्पादन बढ़ाने को लेकर घरेलू मैन्युफैक्चरर के संपर्क में है। आपको बता दें दोस्तों, रसायन एवं उर्वरक मंत्री वीडी सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रही है ताकि देश में इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों के भीतर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 6.69 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियां उपलब्ध कराई गई है। वहीं एक अन्य ट्वीट में गौड़ा ने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर के प्रमुख मैन्युफैक्चरर ने स्वेच्छा से 15 अप्रैल 2021 से इसके दाम को 5,400 रुपए से घटाकर 3,500 रुपए कर दिया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को समर्थन मिलेगा। गोडा ने कहा कि औषधि विभाग और राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के प्रोडक्शन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्री में मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर पंजीकरण कराने की सोच रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आयुष्मान इंडिया को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत कार्ड बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। इससे पहले तक इसके लिए ₹30 चार्ज किया जाता था। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस अभियान के तहत आपके घर जाकर डिटेल ली जाएगी और फिर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्ड पीवीसी के तौर पर मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस अभियान का मकसद है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले लोगों के पक्के कार्ड बन सके, जिससे कि बीमारी के वक्त उनका अस्पताल में इलाज हो सके, इलाज में लगे उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।